नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप SBI की तरफ से बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया है जिसमें लगभग हमारी 1450 पोस्ट दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा नोटिफिकेशन है, वो हमारा सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की, वो हमारी 18/10/2022 और लास्ट है हमारी 7/11/2022। मतलब आगे बाद अच्छा खासा टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डेट भी दी गई है ऑनलाइन टेस्ट की 4/12/2022 को, जो कि अगवा अनुमानित है, मतलब आपका हो सकता है इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी रेगुलर वैकेंसी हैं और हमारी बैकलॉग वैकेंसी है, इनको अलग अलग रखा गया है। यहाँ पर देख, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर वैकेंसी निकली हैं, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, गोवा, असम वगैरह यहाँ पर सभी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज भी दी गई है, आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए SC ST OBC सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए रेगुलर वैकेंसी उसमें हमारी 1400 वैकेंसी दी गई हैं और हमारी बैकलॉग वैकेंसी हैं उसमें हमारी 22 वैकेंसी दी गई हैं। तो इस प्रकार हमारी 1422 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ए लिमिट आपकी दी गई यहाँ पर 21 साल से लेके 30 साल के बीच में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर दिया गया है। PWBD जैसे कि SC ST OBC उनके लिए यहाँ पर देखिए 15, 13, 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका थोड़ा सिलेबस भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा 30 नंबर का, इस प्रकार देखिए बैंकिंग नॉलेज आपका 40 नंबर का होगा और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पर देखिए 30 नंबर और 40 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखिए टाइम ड्यूरेशन दी है 2 घंटे की, यहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे आपके 120 नंबर के यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होंगे। फिर फ्रेंड, उसके बाद देख सकते हो आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया है, SC ST PWD के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही है, केवल जनरल और EWS और OBC के लिए यहाँ पर 750 फीस लग रही है। यहाँ पर देखिए अप्लाई करने की यहाँ पर प्रोसेस भी दी गई है, 18 से लेके 7 तक आपको अप्लाई करना है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए स्टेट कोड दिया गया है, उसके बाद स्टेट का नाम दिया गया है और उसके बाद ऑनलाइन सेंटर दिया गया है। तो फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है अंडमान निकोबार, तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए सेकंड दिया गया है आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और उनके आगे ऑनलाइन एग्जाम सेंटर भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं इन्हीं में कंडक्ट किए जाएंगे, इनके अलावा और किसी भी स्टेट में यहाँ पर कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 1422 पोस्ट हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अभी करंट में किसी भी बैंक में काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें एग्ज़ाम देने का और स्टेट बैंक से डायरेक्ट आपको जुड़ने का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और आपको जो भी क्वेरीज हो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।